السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوال نمبر 5 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے یا آگے سے ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ نمبر 4، اس کو ہم نے مکمل کر لیا تھا. اکمل الجمل الاتیہ بکلمات مناسبت واضبطها بالشکر. اکمل، مکمل کریں. الجمل الاتیتا، آنے والے جملوں کو. بکلمات مناسبت، مناسب کلمات کے ذریعے سے. آنے والے جملوں کو مناسب کلمات کے ذریعے سے مکمل کریں. واضبطها بالشکل، اور اس کو مضبوط کریں اعراب کے ساتھ، یعنی اس کو اعراب لگائیں. تو یہ جو جملے ہیں، 10 جملے، ان میں کوئی ایسا لفظ لگانا ہے کہ جو اس کے لیے مناسب ہو جملے کے لحاظ سے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کو ہم نے اعراب بھی لگانا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ اس کے آخر میں کیا آئے گا. سوال نمبر 1 ہے، من فتح. اب یہاں پر کیا آئے گا؟ کس نے کھولا؟ الباب. جی ہاں، من فتح الباب، کس نے کھولا دروازہ. اور الباب کے آخر میں نصب اس لیے دیں گے کہ یہ فتح کا مفعول بھی ہے. غسلت اختی، دھویا میری بہن نے. یہاں کیا مناسب لگے گا؟ شبانہ، ویڈیو بند کر دیجیے. غسلت اختی منديلها یا المنديل، ٹھیک ہے. دھویا میری بہن نے رومال. اگلی جو مثال ہے اس میں ہم نے ایک فعل لگانا ہے. الرجل الحیت بالعصا، آدمی نے سانپ کو پتھر کے ساتھ. تو یہاں پر کیا لگے گا؟ قتل، قتل کیا. قتل الرجل الحیت بالعصا، قتل کیا آدمی نے، مارا آدمی نے سانپ کو لاٹھی کے ساتھ. نہیں، ضرب نہیں کہیں گے. ضرب عام طور پر مارنے کے معنوں میں، کسی کو یعنی جان سے مارنے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. اب یہ ضرب الرجل الحیت بالعصا،
जैसे उस्ताद अपने शागिर्द को या अम्मा अपने बच्चे को मारती है, तो उसके लिए ज़रब इस्तेमाल करेंगे, आपस की लड़ाई के लिए ज़रब इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी सी दूसरे लफ्जों में जैसे फेंटी लगाना। अब शाम को तो कोई ये नहीं कहता कि यहाँ क्यों आए हो, उसको डांट कर और एक दो चपेट रसीद करके उसको कहीं आइंदा मत आना। जाहिर बात है शाम को कत्ल ही किया जाता है, उसको सिर्फ डांट कर भगाया नहीं जाता है, उसको थोड़ा बहुत नहीं मारा जाता। ठीक है, आगे है यूसुफुल का हुआ था, यहां पर लगेगा शरीबा। शरीबा यूसुफुल का हुआ था, यूसुफ ने कहवा पिया, यूसुफ ने कहवा पिया। ठीक है, कतबल मुदर्रिसो आल सबूरा थे, लिखा उस्ताद ने बोर्ड पर। ठीक है, अदरस या असुआल, ठीक है ये भी सही है। सुआदो ये एक औरत का नाम है। अलखुब्ज रोटी, सुआद ने रोटी। अब यहां पर क्या लगेगा, या तो ये इस्तेमाल होगा कि उसने खाई या पकाई। अकलत, अकलत या तबखत, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा फेल इस्तेमाल होगा कि खाई सुआद ने रोटी, अकलत या तबखत उसने पकाई, पकाई सुआद ने रोटी। नंबर 7 है करतो, मैंने पढ़ा, जिस चीज को पढ़ा गया उसके जरिए से जुमला मुकम्मल करें। अलकिस्सा, ठीक है, मैंने किस्सा पढ़ा। अलकिताब, अलकुरान, ठीक है। सुआद अलखुब्ज, सुआद ने रोटी। अब यहां पर उसको मुकम्मल करने के लिए एक फेल चाहिए कि स्वाद ने रोटी खाई, तो यहां पर फेल लगेगा। स्वाद ने रोटी पकाई, जो भी हम फेल इस्तेमाल करेंगे तो वो यहां पर जुमले में लगेगा। क़रातुल कुरान, नून पर आखिर में जो भी हम लफ्ज लगाएंगे तो उसमें नसब देंगे। कतबल मुदर्रिस दर्स आल सबूरतें, अदर्स अलिफ लाम लगाएंगे तो अदर से होगा, तरमीन नहीं लगेगी। नंबर 8 है अल अदान या हमजा, तो ए हमजा क्या आपने अजान, क्या आपने अजान, ए हमजा समियात, असमियात अल अदान या हमजा, तो ए हमजा क्या आपने अजान सुनी, असमियात। ठीक है, आगे है अत्ताजिर दुकान, ये भी जो हमारे पास मिसाल नंबर 6 थी इसी की तरह है। फाइल और मफरूल मौजूद हैं, हमने एक फेल इस्तेमाल करना है। फतह ताजिर दुकान, ताजर ने दुकान खोली। यफ्तह ताजिर दुकान, ताजर दुकान खोलता है। अत्तुल्लाब मिनल फसली, नंबर 10 है तलबा क्लास से, क्या मुनासिब है, हम उर्दू में अगर इस्तेमाल करें तलबा क्लास से। खारा, अच्छा यहां पर कौन बताएगा कि क्या लगेगा, खरज, ठीक है ये फेल तो सही है, लेकिन खरज लगेगा या खरजू लगेगा। अगर खरज लगेगा तो क्यों खरजू, वजह बताएं कि वजह, अगर खरज लगेगा तो इसके पीछे क्या वजह है। खरजू जी, वजीहा कोमल, जमा है तो फिर क्या लगेगा।
जी हाँ, ये जो है यहां पर फेल वाहिद इस्तेमाल होगा, खराजा, खराजा फेल वाहिद इस्तेमाल होगा, इसलिए कि जब फाइल, जी जी ठीक है, अब हम जो ना वो बता रहे हैं कि जब फाइल इसम जाहिर हो, जब फाइल इसम जाहिर हो तो फेल वाहिद आता है। फाइल यहां पर जाहिर है, इसम जाहिर है, लिहाजा यहां पर फेल वाहिद आएगा, जैसे खरज तुल्लाब मिन अल-फसल। और अगर दूसरी मर्तबा हो, इसके बाद कोई एक और फेल हो, फिर फाइल जिक्र ना हो, तो फिर वो फेल जमा जिक्र करेंगे, जैसे खरज तुल्लाब मिन अल-फसल वदहबू। हमजा के साथ, हमजा सवाल के लिए है ये, क्या, और आगे फिर समिया था, फिर माजी का सीगा है, क्या आपने सुनी। फतह ताजर दुकान, ताजर ने दुकान खोली, जी हाँ। और आगे है कि खराज तुल्लाबु मिन अल फसली, अतुल्लाब पर पेश है क्योंकि ये खराजा का फाइल है। नंबर 6 है सवाल, इजअल कुल्लम मिन अल कलिमात अल आतियती मफऊलन बिही वदबित अवाखिरहा। आने वाले तमाम कलिमात को मफऊल बिही बनाए और उसके आखिर को मजबूत करें, यानी एराब लगाएं। सर हमजा तो मुजक्कर है, फिर समय आता क्यों आया। समय आता वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, या हमजा तो भी मुजक्कर है, और या के जरिए से हमने तायिन कर दी कि ये मुखातब है। ए हमजा, क्या आपने अजान समय आता है सुनी। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब फाइल फेल के बाद आ रहा हो तो फेल वाहिद होता है, जैसे खराज तुल्लाबु, खराज अतुल्लाबु, कोई भी, जैसे सल्ला अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमून जमा है, फाइल है, जाहिर है, फेल के बाद आया है, लिहाजा ये वाहिद होगा। जब कभी फाइल इसमें जाहिर हो, फेल के बाद आ रहा हो, तो फेल वाहिद इस्तेमाल होता है। अब इन सवाल नंबर 6 में इन कलिमात को मफ़ऊल भी बनाएंगे और आखिर में एराब को जिक्र करेंगे। अल कुरआन, आप चाहें तो मुतकल्लिम का सीगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें फेल और फाइल दोनों पहले से होते हैं। क़रातुल कुरआन, मैंने कुरान पढ़ा, सही। आगे अल कहवतु की मिसाल बनाइए। शरबतुल कहवत, मैंने कहवा पिया, सही। आगे है अत्तफाह, सेब, इसको जुमले में इस्तेमाल करें, सेब। अकल तो तुफाह, मैंने सेब खाया। अकल जैदुन अत्तफाह, जैद ने सेब खाया। अकलत फातिमतु अत्तफाह, फातिमा ने सेब खाया। अलबाबू दरवाजा, इसको जुमलों में इस्तेमाल करें। फतहतुल बाब, मैंने दरवाजा खोला।
فتح زيد الباب، فتح اولاد الباب، من فتح الباب؟ بہت اچھا، الدرس، یہ جو مثال ہے نا، یہ الباب مفتوح، یہ مثال غلط ہے کیونکہ ہم نے مفعول بھی بنانا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی فعل اور فاعل ہو. اچھا، الدرس کو استعمال کریں. من کسر الباب، قرأت الدرس، حفظت الدرس، سمعت الدرس، كتبت الدرس، نسيت الدرس، فهمت الدرس، ما فهمت الدرس. فتح زيد الباب میں آپ نے زید پر تنوین کیوں بولا؟ اس لیے کہ زید پر الف لام داخل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ زید منصرف ہے، کسی بھی لفظ پر تنوین نہ آنے کے پیچھے ضروری ہے کہ یا تو اس کی شروع میں الف لام ہو، یا وہ آگے مضاف ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہو. اس میں سے کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی. الدرس زید پر صرف پیش نہیں آ سکتا، نہیں صرف پیش نہیں آ سکتا، تنوین کے ساتھ پیش آئے گا. الدرس سہل، یہ مثال صحیح ہے، لیکن یہاں پر ہم نے الدرس کو مفعول بنانا ہے، یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو. القمیص، غسلت القمیص، لبست القمیص، لبست، لام با سین اور تا، لبست. لبست اگر تا کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور قمیص سواد کے ساتھ آتی ہے. اب سات نمبر میں یہ جو اوپر سوال کیا گیا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فاعل جب ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. القمیص مفعول بھی ہے. دیکھیں، الطلاب ذهبوا الى الملعب، ذهب الطلاب الى الملعب، یہ جو مثال ہے آپ کے سامنے نمبر ایک، اس پر غور کریں. الطلاب ذهبوا الى الملعب، ذهب الطلاب الى الملعب. آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو مثال ہے اس میں فعل جمع ہے، اور دوسری مثال میں فعل واحد ہے. فاعل دونوں میں جمع ہے، دیکھیں الطلاب الطلاب فاعل دونوں میں جمع ہے، جبکہ فعل جو ہے وہ پہلی مثال میں جمع ہے، دوسری میں واحد ہے. فرق اس لیے ہے کہ جب فاعل فعل سے پہلے آ جائے، جب فاعل فعل سے پہلے آ جائے، جو سمجھایا جا رہا ہے آپ اس کو پہلے سمجھیں. قمیص کی طرف ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فی الحال قمیص کو لپیٹ کر رکھیں، پہلے یہ سمجھیں. الطلاب ذهبوا میں الطلاب فاعل ہے، فعل سے پہلے آیا ہے، لہذا یہاں پر فعل جمع آئے گا. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل فعل سے پہلے آ جائے، فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو فعل جمع ہوتا ہے. جب فاعل، دوسری مثال میں، جب فاعل فعل کے بعد آئے، جب فاعل فعل کے بعد آئے تو فعل واحد ہوتا ہے. یہ تو مذکر کی مثالیں تھیں. نمبر دو میں مونس کی مثالیں دی ہیں. الطالبات، اب یہ جمع مونس ہے، اس لیے ذہب سے جمع مونس ذہبنا آئے گا. ذہبنا، الطالبات ذہبنا الى المکتبۃ. تو یہاں پر فاعل فعل سے پہلے آیا ہے، لہذا فعل جمع ہوگا. جبکہ اس سے نیچے والی مثال میں ذہبت الطالبات الى المکتبۃ میں فعل واحد آیا ہے، اس لیے کہ فاعل فعل کے بعد ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب فاعل پہلے ہو تو فعل جمع آئے گا، فعل پہلے ہو تو پھر
जो फेल है वो वाहिद इस्तेमाल होता है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना करेंगे कि जो फाइल है उसको देखेंगे कि फाइल मुजक्कर है या मुअन्नस है। अगर मुजक्कर है तो फेल मुजक्कर ले आएंगे, जैसे इन दोनों मिसालों में है, और अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल को मुअन्नस ले आएंगे। हाँ, सिर्फ फर्क यूं करेंगे कि अगर फाइल पहले आ गया है तो फेल बाद में जमा आएगा, और अगर फेल पहले है फाइल बाद में है तो फेल वाहिद आएगा। मुजक्कर मोनस में ये देखा जाएगा कि फाइल क्या है, मुजक्कर है तो फेल मुजक्कर इस्तेमाल होगा, अगर फाइल मोनस है तो फेल मोनस इस्तेमाल होगा। यहां तक समझ आया? अल कमीस को हमने जुमले में मफ़ऊल बनाना है, कोई ऐसा फेल और फाइल जिक्र करना है कि जिससे अल कमीस मफ़ऊल वाक़े हो, जैसे गसलतुल कमीस, मैंने कमीस धोई, लबिस्तुल कमीस, मैंने कमीस पहनी। तो इन तमाम ये छह नंबर में जितने छह ये दिए हुए हैं अस्मा, इन सबको हमने मफ़ऊल बनाना है, इससे पहले कोई फेल और फाइल जिक्र करना है। नंबर सात में खुलासा ये है कि फाइल ने माना में कोई तब्दीली नहीं आएगी, फाइल पहले हो तो फेल जमा आएगा, फाइल बाद में आए तो फेल वाहिद इस्तेमाल होगा। ये फर्क है। हाँ, मुजक्कर और मुअन्नस फेल तब इस्तेमाल करेंगे कि जब फाइल मुजक्कर है, जाहरी बात है फाइल मुजक्कर है तो फेल मुजक्कर इस्तेमाल होता है, फाइल मुअन्नस है तो फेल मुअन्नस इस्तेमाल होता है। सिर्फ समझने की बात यह है कि फाइल जब पहले आ जाए, फेल बाद में आ रहा हो तो फेल जमा इस्तेमाल होता है, और अगर फेल पहले हो फाइल बाद में हो तो फेल वाहिद इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है मिसालों से। अब इसकी मशक करवा रहे हैं नंबर आठ में, قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال, आने वाले जुमलों में फेल को पहले जिक्र करें जैसा कि मिसाल में वाजे किया गया है। मतलब यह है कि قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال, आने वाले जुमलों में फेल को पहले ले आए जैसा कि मिसाल में वाजे किया गया है। कद्दम पहले जिक्र करें, अल्फियाल फेल को, फिल जुमल आतियती आने वाले जुमलों में, कमा हुआ जैसा कि वो मुवद्दहुन वाजह किया गया है, फिल मिसाली मिसाल में। पहले नंबर पर एक मिसाल दी है कि आप देखें कि अल औलादु शरिबुल कहवता, बच्चों ने कहवा पिया। अब जब हम फेल को फाइल से पहले ले आएंगे तो फेल वाहिद हो जाएगा, जैसा कि आगे मिसाल में जिक्र किया गया है, शरीब अल औलादुल कहवता, बच्चों ने कहवा पिया। तो कायदा यह है कि जब फेल पहले हो और फाइल उसके बाद इसम जाहिर हो तो फेल वाहिद इस्तेमाल होता है, और जब फाइल फेल से पहले आ रहा हो तो उस सूरत में, जब फाइल फेल से पहले आ रहा हो तो उस सूरत में फेल जमा इस्तेमाल होगा। अन्नासु समियुल अदान, लोगों ने अजान सुनी।
समिअ अन्नासुल अदाना जी, एक एक करके जो है वो आप लिखिए। समिअ अन्नासुल अदाना, लोगों ने अजान सुनी, और माना में कोई फर्क नहीं होगा। अन्नास समिअ अदाना का माना भी यही है, लोगों ने अजान सुनी। समिअ अन्नासुल अदाना, इसका माना भी ये लोगों ने अजान सुनी। तो इन तमाम मिसालों में जब हम फेल को फाइल से पहले ले आएंगे तो तमाम जुमलों का माना वही होगा जो फाइल को फेल से पहले ले आने में है। नंबर तीन मिसाल है, अतुल्लाबु कतबु अल अजविबता, मिलाकर यूं पढ़ेंगे, अतुल्लाबु कतबुल अजविबता, तलबा ने जवाबात लिखे। तो यहां फेल को पहले ले आए और फेल को वाहिद बनाए। जी हाँ, कतबतुल्लाबुल अजविबता, सही। नंबर चार मिसाल है, अत्तालिबातु दखलनल फसल, तालिबात क्लास में दाखिल हुई। तो यहां पर फेल को पहले ले आएंगे, और देखना यह है कि यहां पर फाइल मुअन्नस है, लिहाजा फेल को जब पहले ले आएंगे तो फेल भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। वानी शमीम, अभी जिसकी तरफ हम आ रहे हैं फिलहाल आप उसका जवाब दें। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दखलत, दखलत तालिबातुल फसल। नंबर पांच मिसाल है, अल मुदर्रिसून खरजू मिनल फुसूले, असातिज़ा निकले क्लासों से। तो यहां पर खरजू फेल को फाइल से पहले ले आए, तो जुमला बनेगा खरजल मुदर्रिसून मिनल फुसूले, ठीक है। नंबर छह है, जुमलाई रजाऊ मिन मक्का, मेरे साथी वापस आए मक्का से। अब रजाऊ फेल को फाइल से पहले ले आए तो जुमला बनेगा रजा जुमलाई मिन मक्का। नंबर सात है, अखवाती गसलनल कुमसान, मेरी बहनों ने कमीसें धोई। गसलना फेल को अखवाती फाइल से पहले लेकर आए, और अखवाती ये मुअन्नस है लिहाजा फेल भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। गसलत अखवाती अलकुमसान, अलकुमसान कमीज की जमा है। अत्तुजारु फतहुद्दकाकीना, ताजरों ने दुकानें खोली। यहां फाइल को फेल के बाद ले आइए, सही। फतहत्तुजारुद्दकाकीना, अत्तबीबातु ज़हबना इलल मुस्तशफा, डॉक्टर ने यहां गई अस्पताल की तरफ। तो यहां पर फेल को फाइल से पहले लेकर आएंगे तो बनेगा दहब दहबत दहबत, और मिलाकर पढ़ेंगे दहबती तबीबातु इलल मुस्तशफा। अत्तुल्लाबु फहिमु दर्स, तलबा ने सबक समझ लिया। तो फहिमु को पहले लेकर आए तो बनेगा फहिमतुल्लाबु दर्स, तलबा ने सबक समझ लिया। अलमुदर्रिसून खरजू मिनल फसूल, खरजल मुदर्रिसून मिनल फसूल होगा। नंबर आठ, अत्तुजारु फतहुद्दकाकीन, फेल को पहले लाएंगे तो जुमला यूं बनेगा फतहत्तुजारुद्दकाकीन। सवाल नंबर नौ है,
تأمل الأمثلة الآتية آنے والی مثالوں پر غور کریں. اب ان مثالوں میں پہلا جو فعل ہے فتحت ہم نے نہیں کہا, یہ جو مثال اوپر گزری فتح فتح التجار ملا کر پڑھیں گے فتحت تجارو, ہا کو تا کے ساتھ ملا رہے ہیں, فتحت نہیں کہہ رہے. فہمت طلاب الدرس دس نمبر. اب یہ جو سوال نمبر نو ہے کہتے ہیں کہ آنے والی مثالوں پر غور کریں, ان مثالوں میں جو فعل ہے وہ فاعل سے پہلے آیا ہے اس لیے فعل واحد ہے, جبکہ جو دوسرا فعل ہے اس دوسرے فعل کے بعد کوئی فاعل ذکر نہیں کیا گیا جبکہ فاعل ضمیر ہے, تو اس لیے جو دوسرا فعل ہے اس کو جمع لے کر آئے. خرج الطلاب وذهبوا, نکلے طلبا اور چلے گئے. تو یہاں یہ فعل واحد اس لیے ہے کہ اس کے بعد فاعل ظاہر ہے, یہ فعل جمع اس لیے ہے کہ اس کے بعد فاعل ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے. ذهبوا میں ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے الطلاب کی طرف, تو اس لیے ذهبوا فعل کو جمع استعمال کیا گیا. قرأ الطلاب وكتبوا, طلبا نے پڑھا اور انہوں نے لکھا. یہ فعل واحد اس لیے استعمال ہوا کہ اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر ہے, فاعل اسم ظاہر ہے, اور دوسرا فعل جمع اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس کے بعد فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ فاعل ضمیر ہے. اکل الناس وشربوا, لوگوں نے کھایا اور پیا. تو ان تینوں مثالوں میں ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو, فعل کے بعد واقع ہو رہا ہو تو فعل واحد استعمال ہوگا, اور جب فاعل اسم ضمیر ہو تو اس صورت میں فعل جمع استعمال ہوگا. کون جملن مثل هذه, جملے بنائیں اوپر والی مثالوں کی طرح, بنائیں جملے اسی طرح. مستعملن الفعلین الواردین, استعمال کرتے ہوئے ان دو فعلوں کو جو کہ وارد ہوئے ہیں. فی کل تمرین, ہر مشق میں. ومستعینن بالکلمات التی بین القوسین, قوسین کے درمیان کلمات سے مدد لیتے ہوئے. اب یہ جو نمبر ایک مثال ہے, اس مثال میں آپ دیکھیں کہ دو فعل استعمال کیے گئے ہیں اور ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے. تو اوپر جس طریقے سے ہم نے مثال کو دیکھا, پہلے فعل, اس کے بعد فاعل, اس کے بعد دوسرا فعل, تو ان مثالوں میں بھی ایسا ہی ہوگا, پہلے فعل پھر فاعل اور پھر اس کے بعد مفعول, فعل پھر فاعل پھر مفعول اور اس کے بعد دوسرا فعل. تو یہ مثال بنا کر دکھائیے, اور جب بنائیں گے تو دوسرا جو فعل ہے اس کے اندر ضمیر ہونے کی وجہ سے دوسرے فعل کو جمع استعمال کریں گے. دخل الطلاب الفصل, داخل ہوئے طلبہ کلاس میں. وجلسوا, اور بیٹھ گئے. صحیح. نمبر دو مثال ہے, ضربا, اس کے بعد ایک فعل لے کر فائل لے کر آئیں گے, اس کے بعد پھر دوسرا فعل, اور دوسرے فعل کو جمع ذکر کریں گے کیونکہ فاعل ضمیر ہوگی.
सही। और मफ़ऊल को पहले फेल और फाइल के बाद जिक्र करेंगे, तो जुमला यूं बनेगा। जी ज़रबा अल औलादु अल हय्यता वक़तलू, मारा बच्चों ने सांप को और उसे कत्ल कर दिया। नंबर 3, क़रा उसके बाद फाइल, फिर मफ़ऊल और उसके बाद दूसरा फेल। इसका जुमला बनाए, क़रा अत्तुल्लाबु दरसा व फहिमू, पढ़ा तलबा ने सबक और समझ गए और उन्होंने उसे समझ लिया। नंबर 4, समिया सुनी लोगों ने अजान और गए मस्जिद की तरफ, पहले फेल फिर फाइल फिर मफ़ऊल और उसके बाद दूसरा फेल और आखिर में इला हर्फ जर के बाद मजरूर। सुल अजाना, लोगों ने अजान सुनी, वदहबू इलल मस्जिद, और मस्जिद की तरफ गए, अजान सुनने के बाद फिर मस्जिद की तरफ गए। ये इलल मस्जिदी में इला हर्फ जर है और अल मस्जिद मजरूर, और चार मजरूर मिलकर हमेशा किसी के मुताल्लिक होते हैं, फेल के या शिबह फेल के, तो यहां पर ये वहबू फेल के मुताल्लिक होंगे। नंबर 10, कविन जुमुलन मुस्तामिलन अल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाए। इन तमाम के जुमले बनाने हैं, बहुत आसान है। अकला गसला करा कतबा दरबा कतला दखला खरजा हाफिजा शरीबा फहीमा समिया। तो आप चाहें तो सिर्फ माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा और उसके बाद फाइल और मफ़ऊल बनाकर जुमला मुकम्मल करें, या चाहें तो वाहिद मुजक्कर गायब के जो ये तमाम सीगे लिखे हुए हैं इसको किसी और सीगे में भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे अकल से अकला अकलु अकलत अकलतु अकलना। जी अकल को जुमले में इस्तेमाल करें। अकला ज़ैदुन अत्तुफाह अकलतुल अरुज़, सही। आगे है गसला, गसलों को जुमले में इस्तेमाल करें। गसलतुल मिंदीला गसलत उख्ती थियाबी, मेरी बहन ने मेरे कपड़े धोए। गसलत उम्मी अस्सियाब कतब, इससे पहले करा है, करा को जुमले में इस्तेमाल करें। करा तालिबुल कुरान करातु दर्स, ठीक है, क़रअतुल्लाबुल कुरआन। आगे है कतब, कतब को जुमले में इस्तेमाल करें। कतबा अल
كتب المدرس الدرس كتب الأولاد الأجوبة كتبت رسالة إلى أمي ضرب اس ایک مرد نے مارا ضرب حامد ابنه ضرب حامد ابنه حامد نے اپنے بیٹے کو مارا ضربت فاطمہ بنتها فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا ضرب اللہ اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال ٹھیک ہے کتب الاستاد الاسئلۃ علی السبورۃ ٹھیک ہے آگے ہے قتل قتل کرنا قتل حامد الحية مفعول معرفہ کیا ہوتا ہے یہ جملہ تو ہم نے استعمال نہیں کیا مفعول معرفہ معرفہ ایک الگ چیز ہے مفعول ایک الگ چیز ہے مفعول اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو اور معرفہ نکرہ کو خاص بنانے کے لیے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں جیسے اس کے اوپر الف لام داخل کیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کیا جائے یا وہ عالم ہو تو معرفہ کی جو اقسام ہیں یہ ایک الگ چیز ہے قتل حامد الحية یہ ٹھیک ہے دخل دخل کو استعمال کریں دخل زید فی الفصل دخل زید فی المسجد فی الباب کہہ سکتے ہیں دخل زید فی الباب دخل زید من الباب دروازے سے داخل ہوا دروازے میں داخل نہیں ہوا مفعول پر ہم چاہیں تو الف لام لگائیں اور اگر نہیں چاہتے تو نہ لگائیں ضروری نہیں ہے خرج خرجت فاطمۃ من الدار من البیت نکلی فاطمہ گھر سے خرج طلاب من الفصل حفظہ کو استعمال کریں صحیح حفظ ابراہیم القرآن حفظ کیا ابراہیم نے قرآن حفظ تو سورۃ البقرہ تھی میں نے سورۃ البقرہ یاد کر لی شاربہ کو استعمال کریں شرب یوسف القہوۃ شرب یوسف الشاي شرب یوسف الماء شرب یوسف العصیر شرب یوسف الحلیب شرب یوسف اللبن العصیر جوس کو کہتے ہیں اور فہم سمجھنا الفہم سمجھنے کو کہتے ہیں فہم الطلاب الدرس طلبا نے سبق سمجھ لیا فہمت العنوان میں نے ایڈریس سمجھ لیا العنوان ایڈریس کو کہتے ہیں فہمت کلامک صحیح سمیع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ تعالی نے سن لیا اسے
कि जिसने उसकी हम्द बयान की। अन्नासु समियुल अजान, बहुत अच्छा, समिया ज़ैदुन अल अदान, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम अफ़ाल आपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर लिए। नंबर 11 है तअम्मल मा यली, मुंदरजा ज़ैल जो मिसालें हैं उन पर गौर करें। मन फतहल बाब, किसने खोला दरवाजा। अना फतहतुहु, मैंने उसे खोला। अब यहां वो जमीर है जो लौट रही है अलबाब की तरफ, और ये फतह तो हु में एक फतह तो फेल है, इसके अंदर फाइल है, और हु जमीर मफ़ऊल भी है, मैंने इसे खोला। हु जमीर इसलिए लगाई क्योंकि अलबाब मुजक्कर है। मन फतह नवाफिज़, किसने खोली खिड़कियां। अना फतहतुहा, मैंने उन्हें खोला। अब यहां फतह तो फेल है, उसके अंदर फाइल है, और हा जमीर मफ़ऊल है, इसलिए कि हा जमीर इसलिए मोनस की इस्तेमाल की क्योंकि अन्नवाफिजा मफ़ऊल है, अन्नवाफिजा ये मोनस है। अना फतहतुहा में फतहतुहा में हा जमीर मोनस की इसलिए इस्तेमाल की कि अन्नवाफिजा मोनस हैं, अन्नवाफिजा मोनस हैं। कैसे पता चला कि अन्नवाफिजा मोनस हैं? इसलिए कि इसकी जो वाहिद होती है वो नाफिजतुन होती है, नाफिजतुन खिड़की, इसके आखिर में गोलता है, और जिस इसम के आखिर में गोलता हो तो वो मोनस होता है। मफ़ऊल की बहुत सारी अकसाम है, 5 मफ़ऊल होते हैं, उनमें से एक किस्म में मफ़ऊल भी। अगर मुतलकन कहें मफ़ऊल तो ये आम है, और मफ़ऊल भी ये उस 5 में से एक किस्म है। अल कलिमातुल जदीदा, तो इस सबक के अंदर कुछ नए कलिमात इस्तेमाल हुए हैं या इसके अलावा भी कुछ नए कलिमात वो बता रहे हैं। नवाफिज ये नाफिजतुन की जमा है, अन्नवाफिजा मोहन्नस है, इसलिए अगला जब जुमला बनाया तो अगले जुमले में मैंने उन्हें खोला, उन्हें ये जो जमीर इसके लिए हा इस्तेमाल की, मोहन्नस की इस्तेमाल की, इसलिए के अन्नवाफिजा मोहन्नस है। अल ऐनबु अंगूर, अंगूरों का जिसे हम गुच्छा कहते हैं, और अगर आखिर में ता लगाएं तो माना होगा अल ऐनबा, तो अंगूर का एक दाना। अल मौज़ केला, अतीनो इंजीर, अल फजरो फजर, जवाबुन इसकी जमा अजवीबा आती है, सुआलुन पूछना जमा असएला, अल बक्कालो इसका माना होता है सब्जी बेचने वाला, सब्जी फरोश, अल आसा लाठी या छड़ी, हय्यतुन जमा हय्यातुन सांप, समिया उस एक मर्द ने सुना, फहिमा उस एक मर्द ने समझा, शरीब उस एक मर्द ने पिया। तो यहां ये सबक मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले सबक से हम अद्दर्स सादिस का आगाज करेंगे। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। फतह क्यों इस्तेमाल किया।
ये समझ नहीं आया मुझे कि क्या सवाल किया जा रहा है। अल्लाह मुस्तान। फतह तो हा में हा की जो जमीर है तो ये जम्मा के लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि जम्मा गैर आकिल है, गैर आकिल के लिए वाहिद मोनस की जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीब तारिकुन अशाय, जी हाँ दुरुस्त है। वाहिद के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे, जमा के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मिसाल यूं हो, मन फतहन्ना फिजता, किसने खोला एक खिड़की को, जवाब होगा अन फतहतुहा, मैंने उसे खोला। मन फतहन नवाफिसा, किसने खोली बहुत सारी खिड़कियां, अन फतहतुहा, मैंने उसे खोला। तो जमा के लिए भी और वाहिद के लिए भी एक ही जमीर इस्तेमाल करेंगे। नवाफिस मोनस है तो उसके लिए फतह तो हा मोनस की जमीर इस्तेमाल करेंगे। ऊपर जो है अलबाब मुजक्कर है तो उसके लिए हु जमीर इस्तेमाल करेंगे, तो मोनस के लिए हा और मुजक्कर के लिए हु जमीर इस्तेमाल करेंगे। तो उसी पर इक्तफा करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।